नमस्कार दोस्तों, शिवरंजनी हारमोनियम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक नया हारमोनियम लेके आए हैं। ये हमारे पास बेचने के लिए उपलब्ध है, तो आप में से इसको कोई खरीदना चाहता है, पसंद आता है हारमोनियम, आपको अच्छा लगता है, तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके उसकी जानकारी पूछ सकते हैं, ले सकते हैं। तो हम इसकी सब जो छोटी मोटी जानकारी है तो अपने वीडियो में दे देंगे। उससे पहले आपको सबसे पहले आप सभी को विनती है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करिए, ताकि इसी प्रकार के हारमोनियम के वीडियो, रीड की जानकारी, संगीत की छोटी मोटी जानकारी, या तो फिर नए पुराने हारमोनियम चाहिए तो उसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन में सबसे पहले मिल जाए। तो हम हारमोनियम की जानकारी शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो हारमोनियम आपको दिख रहा है, ये नया हारमोनियम है, ये तीन लाइन का हारमोनियम है। ये इसका जो मेड है, कलकत्ता मेड का है, और इसका लकड़ी सागवान का है, और इसका कलर जो आप देख रहे हैं ये मोहगनी कलर का है। तो इसमें थोड़ा सा आपको काला और लाल कलर का दिखेगा। तो इसका हम थोड़ा सा बाहर का देखेंगे। ये जो है, ये सुटकेस हारमोनियम है। इसको बहुत सारे लोग पोर्टेबल हारमोनियम कहते हैं, या तो कोई उसको बॉक्स हारमोनियम कहते हैं। तो इसका हम थोड़े से फायदे बता देंगे। ये जो आपको दिख रही है, ये हारमोनियम का सबसे महत्वपूर्ण जो फायदा है, तो ये पोर्टेबल, मतलब ये ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर हम प्रोग्राम को जाते हैं तो उसको अकेले हम उठा के लेके जा सकते हैं, किसी को साथ में रहने की भी जरूरत नहीं, पकड़ने की जरूरत नहीं, हम अकेला पकड़ सकते हैं इसको। उसके बाद दूसरा जो है, इसका वजन, उसका जो वेट है बहुत कम रहता है, 10 से 12 किलो के आसपास ये तीन लाइन का हारमोनियम का वजन है। तो उसको आसानी से लेडीज लोग, छोटे बच्चे भी पकड़ सकते हैं। और तीसरी जो बात है, बहुत सारे घर में क्या होता है, छोटे बच्चे रहते हैं, तो छोटे बच्चों से सावधानी बरतनी पड़ती है, तो ये हारमोनियम का ऐसा नहीं है। बहुत बार क्या करते हैं, छोटे बच्चे बटन को उखाड़ देते हैं, उसकी जो की है उसको उठाते हैं, उस पर कोई कोई छोटे बच्चे उस पर जाके बैठते हैं, तो वो यह हारमोनियम का चिंता नहीं है। और चौथी जो बात है, गांव में कभी कभी क्या होता है, किसी के घर में चूहे रहते हैं, और हारमोनियम में बहुत बार चूहों की वजह से दिक्कत होती है, तो ये हारमोनियम में ये बॉक्स होने के कारण वो भी उसकी चिंता नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे, बहुत बार क्या होता है, अभी अभी बारिश का माहौल चल रहा है, तो अगर हम हारमोनियम को ओपन रखेंगे तो चाबी या उसकी क्या होती है, फूकती है, और बड़ी होने के कारण वो अटकती है सीजन के कारण। कभी ठंडी के दिन में होता है, कभी बारिश के दिन में होता है, तो ये इसका सेफ है, तो उससे थोड़ा सा तकलीफ कम होता है, वो बटन वगैरह अटकता नहीं है। तो इस प्रकार ये सुटकेस हारमोनियम का फायदा है। तो हम उसका बाहर का थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पे इसका लॉक है, ये नंबर लॉक है, यहाँ पे 000 करना पड़ता है ज्यादातर, तब ये खुलता है। और ये जो लॉक दिख रहे, इसमें सादा रहता है, और एक स्पेशल, ये नंबर लॉक स्पेशल होता है, तो इसमें नंबर लॉक है। उसके बाद एक ये हैंडल देख रहे हैं आप, ये भी स्पेशल हैंडल है, और इधर से भी, और ये आजू बाजू से आप देखेंगे, इसका फिनिशिंग बहुत अच्छा है। ये जो दिख रहा है आपको एनोडाइज का है ये चैनल, ये जो डिजाइन है स्टील का है। तो इस तरीके से हम इसका थोड़ा सा अंदर का देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा पुश लॉक होता है, ये ऊपर उठाने से ये बाहर आ जाते हैं, और यहाँ पे लॉक होके वो ऐसी खड़ी रहती है, और इसको बंद करने के लिए ये पुश लॉक को दबा के बंद करना पड़ता है। तो आप देखेंगे इसका 7-फोल्ड बेलो है, 1 2 3 4 5 6 7 7-फोल्ड बेलो है। और इसका एयर सिस्टम ऐसा है, ये पहला जो है बास का है, दूसरा जो है फीमेल का है, दूसरा मेल, तीसरा जो है मेल का है, और पहला फिर से बास का है। इस प्रकार इसका एयर सिस्टम का ये है। और ये जो है सबसे पहला जो एक्स्ट्रा सुर का है, जी शार्प का है, यानी कि काली चार, ये ए शार्प यानी कि
काली पांच का है, ये सी शार्प यानी कि काली एक का है, ये डी शार्प यानी कि काली दो है, और ये एफ यानी कि सफेद चार का है। इस तरह से इसका एक्स्ट्रा सुर का सिस्टम है। उसके बाद हम इस तरह से इसका हम अंदर का देखेंगे। ये जो दिख रहा है आपको ये इटालियन नायलॉन का की है, ये बहुत अच्छा है। ये पियानो की है लंबा लंबा, और कलकत्ता में ज्यादातर तीन लाइन में ये लंबा वाला की आता है, तो इसमें ये भी अच्छा है। वो उसका टचिंग भी बहुत अच्छा है लकड़ी अच्छे होने के कारण। आप अंदर का देखेंगे तो ये भी ये देखिए आपको ये स्प्रिंग ये डिजाइन दिखेगा। उसके बाद हम सबसे महत्वपूर्ण जो बात है इसमें रीढ़ जो है मोहनलाल के तीन लाइन के आर्टिडेलस के रीढ़ है। आप देखेंगे हार्प का रीढ़ है, ये बास का लाइन है, ये मेल का लाइन है और ये फीमेल का लाइन है। तो इस प्रकार आप देखेंगे इसका टेम्पर बहुत अच्छा है, तो हम उसका थोड़ा सा आवाज सुनेंगे। तीनों लाइन हम चालू करते हैं। इस प्रकार देखिए दोस्तों, ये जो हारमोनियम का एयर फिटिंग भी बहुत अच्छा है। अगर इसका हम बास बंद कर देते हैं तो लेडीज के लिए इसका मेल फीमेल का आवाज भी बहुत अच्छा, ये लेडीज लोग जी शार्प से गाते का आवाज चाहिए बास मेल का, तो हम इसको फीमेल बंद करके भी दूसरा स्टॉपर फीमेल का बंद करने से ये बास मेल में बास मेल बास इस तरह से हो जाता है, तो इससे हमें बहुत अच्छा भराव मिलता है। तो बास मेल का हम आवाज सुनेंगे।